मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती दौरा, 87 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे प्रमाण पत्र। रोहतास में सदर अस्पताल में किया गया विशेष प्रशिक्षण का आयोजन, आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान अफरातफरी का माहौल। 1 नवंबर से अधिकारियों के तबादलों पर रोक, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान के चलते रोक लगाए गए, 5 जनवरी तक नहीं होंगे ट्रांसफर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदले मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती और बहराइच का दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के विंभा में 390 करोड़ से ज्यादा की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों की का भी वितरण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 3 बजे योगी आदित्यनाथ बहराइच के नानपारा में 221 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। तो आज मुख्यमंत्री का बहराइच और श्रावस्ती का दौरा है, जहां पर कई परियोजनाओं का, करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री बांटेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, आज मुख्यमंत्री का दौरा है श्रावस्ती का, बहराइच का, क्या कुछ अपडेट है? पालू, देखिए, योगी पहुंच जाएंगे लगभग 1 बजे के टाइम बताया गया है, श्रावस्ती पहुंचेंगे। अब श्रावस्ती में ढूंगा लगता है, वहां पर लगभग जो 390.45 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ शिलान्यास करेंगे जी। और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लोग लाभार्थी होंगे, उनको वो वहां से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और 3 बजे के तकरीबन समय बताया गया है कि बहराइच के पास पड़ता है नानपारा जी, नानपारा में भी करोड़ रुपए के जो परियोजना बाकी रह गई है उनका भी वो शिलान्यास करेंगे। और कई ऐसे तमाम जो पुराने उनकी योजनाएं अधूरी रह चुकी थी उसका भी वो पूरी तरीके से आज यहाँ पे लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देंगे। इसके साथ साथ ये भी बता दूं, लगातार इस टाइम योगी सरकार की जो पुरानी योजनाएं हैं उन सभी को वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इनका पूर्वांचल दौरा लगा हुआ है जी। और उन तमाम जिलाओं को खासतौर से उन्होंने अपने एक लिस्ट में शामिल कर लिया है जहाँ पे अभी अधूरे अटके काम रह चुके हैं। बिल्कुल रूबी, और तैयारियां कैसी है सीएम योगी के आगमन को लेकर, और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? पारुल, देखिए, तैयारियों को लेकर खासतौर से रात से ही पूरी तैयारियां को खुद निगरानी में रखा गया है, यानी कि यहाँ के जो डीएम है, एसपी है, रात भर उन्होंने कई यहाँ के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने खुद रात भर दौरा किया है। उसके साथ ही साथ जहाँ पे योगी का प्रोग्राम है वहाँ पे भी कई प्रोग्राम को लेकर उन्होंने पहले से सब जो पहले से तय है उन सबको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से छोटे छोटे जगहों पे बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं, रोड जो डायवर्जन मोड पे डाल दिया गया है, यहाँ तक कि जो बॉर्डर है उन सभी जगहों को भी छोटे से रोड डायवर्जन कर दिया गया, ताकि जब योगी का काफिला निकले तो वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो सके और इसके साथ साथ जो जनता है उनके भी जो काम है वो ना रुक सके। चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच और श्रावस्ती का दौरा है, जहां पर दोनों ही जगह जाकर वो कई करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी करेंगे, साथ ही उसके बाद वो बहराइच जाएंगे जहाँ पर कई करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। आगरा के जगनेर रोड स्थित ग्राम धनौरी में ग्रामीण धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक दशक से ज्यादा समय से ग्राम पंचायत धनौली अजीजपुर जलभराव की समस्या से जूझ रही है, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं धनौली वासियों ने आगरा ग्रामीण विधायक हेमलता दिवाकर
को मृत घोषित करते हुए क्षेत्रीय विधायक का पुतला फूंका। को बता दें कि धनौली के ग्रामीण लगातार 3 दिन से समस्या के निदान के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं आगरा की, जहां पर पानी समस्या को लेकर परेशान है ग्रामीण, और ऐसे में ये ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक का पुतला फूंका। किस तरह से देखिए विरोध प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है, और ऐसे में आपको बता दें पुतला तो फूंका ही गया, साथ ही विधायक को मृत भी घोषित किया गया। दरअसल पानी की समस्या से काफ़ी ज़्यादा जलभराव होने की वजह से परेशान है ग्रामीण, जिसके चलते आने जाने में तमाम परेशानियां तो हो ही रही हैं, और ऐसे में पानी भर जाने की वजह से उसी पानी से होकर लोगों को भी वहां से निकलना पड़ रहा है। अमरोहा के वन विभाग के अधिकारियों के दफ्तर के पास जटीवन पार्क के रास्ते पर सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी के बेटे नवनीत सिंह की लगभग 29 बीघा जमीन पड़ी हुई है, जो उन्होंने खरीदी है। उनका कहना है कि यहां पर वो अपनी जमीन की बंदी करना चाहते थे, जिसके लिए SDM कोर्ट से उनके पास आदेश भी मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी अवैध रूप से दवा बनाकर पैसे की मांग करते हैं, और पैसा नहीं देने पर उनकी जमीन पर निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी मैं निर्माण करने पहुंचा, लेकिन वहां मुझे धमकियां लगातार मिल रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब जब एक पुलिस के सेनावृत्त अधिकारी के बेटे के साथ ही ये सब हो रहा है, तो सिस्टम आम इंसान के साथ क्या सलूक करता होगा। मामला ये है कि ये मेरी ज़मीन है 28 बीघा, 29 बीघा ज़मीन है मेरी जी, और 2018 से ये लोग मुझे वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। जब भी मैं निर्माण करने जाता हूँ, अपनी बाउंड्री करने जाता हूँ, तब ये लोग आते हैं और लेबर से दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, और मैं आता हूँ तो मुझसे भी कहते हैं भाई तुम निर्माण नहीं करना यहाँ पर। तो मैंने अपनी ठियाबंदी कराई थी अपनी ज़मीन की, जिसमें मैं मुकदमा जीता हुआ हूँ। ये मेरी ठियाबंदी है, SDM साहब के आदेश अनुसार मैं अपना जब भी निर्माण करता हूँ, अभी उसके बाद भी तब भी मुझे रोका जाता है, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और पैसों की डिमांड की जा रही है, और जिसमें DFO साहब के भी लेटर है, इसमें जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है जी, ठियाबंदी से कोई आपत्ति नहीं है इनको, और फिर भी परेशान कर रहे हैं। पैसों की डिमांड कौन करता है आपसे? पैसों की डिमांड रेंजर साहब कर रहे हैं, DFO साहब कर रहे हैं, और जिसपे मेरे पास ऑडियो भी है, मेरे पास मुझे धमकी भी दी थी जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया जी, कि भाई ऐसा है, मुझसे बोले कि भैया पैसे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम निर्माण करो, तुम्हें हम करने नहीं देंगे, और इसके ऑडियो भी है, मैं जब चाहे जब सुना सकता हूँ। और ये 15 दिन का इन सबको समय दिया गया था, यदि किसी को आपत्ति है ठियाबंदी से तो अपनी आपत्ति SDM साहब के कार्यालय में अपनी दाखिल कर दें, इनकी कोई आपत्ति नहीं आई, उसके बाद मैं निर्माण कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे परेशान किया जा रहा है, समय व्यतीत हो गया उसके बावजूद भी। तो आखिर परेशान करने का रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं, पैसे की डिमांड करते हैं कि 5 लाख 2, 10 लाख 2, इस तरीके से। बेगूसराय के मंडल कारा में शनिवार को पुलिस और कैदियों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 कैदी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सभी घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कैदियों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर झड़प हो गई थी। उनको समझाने गए पुलिसकर्मियों पर कैदियों ने ही हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है। कानपुर देहात में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिले के सभी 6 तहसीलों में किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सिकंदरा तहसील के सभागार कक्ष में यह आयोजन हुआ। ऐसे में संपूर्ण समाधान दिवस में भारी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर जिले की सभी तहसीलों में पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों को जल्द और गुणवत्ता निस्तारण के निर्देश दिए। यही नहीं, लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी। आज मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं, हम लोगों के द्वारा तहसील अग्रपुर में तहसील की समीक्षा के लिए सदस्यता के लिए कुल 82 प्रकरण आज प्राप्त हुए हैं, जिनको भी भूमि विवाद और विकास की योजनाओं को लेकर कार्य प्राप्त हुए। कुछ का त्वरित रूप से मौके पर ही निस्तारण कराया गया, बाकी सभी को पास दिया गया है 1 सप्ताह में निस्तारण के लिए, और त्वरित तरीके से क्वालिटी पूर्वक निस्तारण कराया गया।
करीब इसमें 80 के आसपास एप्लीकेशन अभी तक उन्होंने चढ़ा ली थी, इसमें संख्या कंफर्म कर देंगे एसडीएम साहब अभी। और उसमें से काफ़ी शिकायतों का निस्तारण मौके पर भी किया गया, विद्युत की थी, कुछ तहसील की थी, और जो शिकायतें मौके पर टीम बना के भेजी जा रही है, जैसे एक प्रकरण में जिसमें कि हैंडपम्प पे सबमर्सिबल डालने का विषय है, कुछ अवैध कब्जे के विषय है, उसमें भी टीम अभी 2 बजे के बाद जा रही है, कुछ टीमें पहले भी जा चुकी हैं। शासन का प्रयास है कि तहसीलदार की शिकायतों का यथासंभव उसी दिन या अधिकतम 5 दिवस में उसका निस्तारण हो जाए। रोहतास के सासाराम के सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं को कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अब वोटर आईडी कार्ड के आधार पर यह सर्वे किया जाएगा कि कितने लोगों ने अब तक टीका ले लिया है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगाया जा रहा है और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं को बैठने तक की जगह नहीं मिली तो वो लोग जमीन पर ही बैठकर जानकारी लेते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का खतरा भी कम नहीं हुआ, इसीलिए वैक्सीनेशन लगातार चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को ये विशेष प्रशिक्षण दिया गया, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सर्वे किया जाएगा वोटर आईडी के आधार कार्ड पर कि कितने लोगों को अब तक टीका लग चुका है, इसीलिए इस काम के लिए आशा कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा और इसीलिए उन्हें एक ये विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे में भारी संख्या में आशा कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँची, तस्वीरें देख सकते हैं, अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया, किसी को बैठने तक की जगह नहीं मिली, इसीलिए जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठकर जानकारी लेते हुए नजर आया। कोविड 19 का वैक्सीनेशन है तो हो रहा है, महासर्वे है, वोटर आई कार्ड के अनुसार जितना भी 18 प्लस का जो भी व्यक्ति है उसका सर्वे करना है, जिसमें आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा किया जाना है। उनके बैठने का व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, अभी सर्वे का ये सारा चीज़ अभी ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, उसको मीटिंग बुलाया गया है, उनको ऐसा ही और यहाँ पारा मेडिकल में ले जाएंगे, लिस्ट नहीं आया था इसी चलते किया जा रहा। लेकिन उन लोग तो बता रहे हैं कि यहीं मीटिंग बुलाया गया। हाँ बताए हैं, सब एकत्रित होगा, इससे पहले डाटा लिया जा रहा है, डाटा मीटिंग का टाइम 11 बजे था, आपका 12:05 हो रहा है अभी। मीटिंग का टाइम 11 तो वही सब लोग मीटिंग से ही आई है, वो सब डाटा अपना अपना उन लोग को कागज पकड़ा दिए हैं। सुल्तानपुर में चोरों ने इस बार जिला आपूर्ति कार्यालय को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि आपूर्ति कार्यालय में दिन दहाड़े घुसे चोरों ने कंप्यूटर सामग्रियों की चोरी कर ली। जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों ने फोन से चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यालय से 1 प्रिंटर, 2 मॉनिटर, 2 कीबोर्ड और 2 माउस लेकर चोर भागकर फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सुल्तानपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और कई कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड लेकर चोर वहां से फरार हो गए। लाखों के कंप्यूटर उपकरण भी चोरी किए गए हैं चोरों की तरफ से। ऐसे में पुलिस को जानकारी दी गई है, पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी अब की जा रही है। कार्यालय में दोपहर 2 बजे के आसपास जानकार बताया गया, वो अपने कमरे में था, पीछे उसका कमरा है, तो उसके बाद जब आया तो उसने देखा कि 2 प्रिंटर, 1 प्रिंटर, 2 मॉनिटर और 2 कीबोर्ड और 2 माउस जो टेबल के ऊपर रखे थे वो चीज़ गायब थे और एक एयर फ्लॉप के रूप में बगल में तौलिया रखी हुई थी वो गायब थी। अच्छा, तो ये घटना क्या लगता है इसमें स्मैकियों का हाथ है या क्योंकि वहाँ पर ये सुनने में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि वहाँ पर स्मैकिये बैठते हैं और स्मैकियों का अड्डा बना हुआ है वो? नहीं, हमारे ऑफिस में कोई स्मैकिया नहीं बैठता है वहाँ पर जी, और इस तरह का नहीं है, बाकी पुलिस को तहरीक दे दी गई है, पुलिस खुद पता कर लेंगे क्या है, लेकिन ऐसा स्मैकिया हमारे ऑफिस में नहीं हुआ है। सुरक्षा के लिए पहले से भी वहाँ पर अलग से गार्ड्स वगैरह रहते थे कि क्यों? चौकीदार, विभागीय चौकीदार, एक चौकीदार के भरोसे पूरा कार्यालय जो है विभागीय चौकीदार।
रोजगार। नहीं तो क्या 24 घंटे उसकी ड्यूटी रहती है या कैसे क्या है? अब दिन में तो सब लोग रहते ही हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन उसकी ड्यूटी रहती है, या शाम के समय उसकी ड्यूटी रहती है, दिन में तो बाकी ऑफिस खुला ही रहता है। नहीं रात में वहाँ सुरक्षा की दृष्टिकोण से रात में उसी की ड्यूटी है कि वो जिला DSO महोदय के द्वारा एक दरख्वास्त दी गई है जिसमें कंप्यूटर चोरी की बात बताई गई है, जिसकी जांच के लिए संबंधित SI कम्प्लेंस को लगाया गया, जांच करने के बाद मुकदमा पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की गई है। दफ्तर हम 12 बजे बैठे थे, चले गए खाना खाने। अच्छा। खाना खाने में 15-20 मिनट लगा। हाँ। आए तब खाना खा देखे गेट खुला हुआ था। हाँ। तब आगे बढ़े हम तो गेट लटका हुआ था, तो तुरंत हम बड़े बाबू को फोन किए। कितने बजे? लगभग 2 बजे। आपने दिन में 2 बजे फोन किया जी? अच्छा। बड़े बाबू आए, बड़े बाबू दिखाए उठाए, कुछ देर बाद बड़े बाबू हम गए कोतवाली, कोतवाली में FIR दर्ज किए। अच्छा। फिर आए, फिर आज फिर बड़े बाबू ने सर को बताया, किसको बताया नहीं जानते इसको, लेकिन पूरे स्टाफ को पता हो गया था। अच्छा। रोहतास के सूर्यपुरा के कई पूजा पंडाल समिति की तरफ से सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं बंगला चौक और बलिहार बारून टांड और सूर्यपुरा गढ़ पर स्थापित प्रतिमाओं को प्रशासन की गाइडलाइन के साथ शांतिपूर्ण माहौल में गांव, नदी, तालाब, नहर आदि में विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि ब्लॉक में नवरात्र काफी धूमधाम से मनाया गया था, ऐसे में लोगों में काफी उत्साह भी नजर आया। पिछले साल कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो पाया था, ऐसे में इस बार जो हुआ है तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला और लोगों की भीड़ भी काफी दिखी। तो तस्वीरें देख सकते हैं रोहतास की, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और लोगों में किस तरह का उत्साह था, तो इस तस्वीरों के जरिए ही दिख रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले साल ये सब आयोजन नहीं हो पाया था, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति विसर्जन किया गया और ऐसे में दुर्गा पूजा के लिए भी कोरोना गाइडलाइंस का लोग पालन करते हुए नजर आए। रोहतास के टेहरी में बाबूगंज के पास दो ठगों ने एक महिला से लगभग 1 लाख के आभूषण ठग लिए। बताया जा रहा है कि ईदगाह मोहल्ले की रहने वाली संगीता देवी जब दूध लेकर लौट रही थी तो बाबूगंज के पास दो अनजान लोगों ने उन्हें रोक लिया और उसे झांसा देकर उनके कान का टॉप्स, गले का मंगलसूत्र और सोने की चेन और अन्य आभूषण निकलवा लिए और महिला ने भी झांसे में आकर सभी आभूषण उन ठगों को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि ठगों ने उनसे बताया कि आपके बेटे और बेटी को बहुत सारा सांस्कारिक कष्ट है, अगर वो अपने आभूषण इन्हें देकर और 81 कदम मुट्ठी बांध कर चलेंगी तो उनके बच्चों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बुजुर्ग महिला ठगों के झांसे में आ गई और अपने तमाम आभूषण निकाल कर ठगों को दे दिए। वहीं सोने के आभूषण मिलते ही दोनों शातिर ठग वहां से भाग निकले और पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश अब शुरू कर दी है। तो रोहतास का पूरा मामला है जहां पर ठगों ने महिला को शिकार बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि ठगों ने महिला को कहा कि आपके बच्चे कष्ट में हैं और अगर आप अपने ये सारे जेवरात दे देंगी तो आपके बच्चों का कष्ट दूर हो जाएगा, इसीलिए महिला ने भी अपने बच्चों के लिए बिना सोचे समझे ठगों को सारे के सारे अपने जेवरात दे दिए। तो ऐसे में जब महिला को इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग ठग थे तो महिला ने इसकी जानकारी पुलिस थाने में दी, जिसके बाद अब CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। अपन दूध लेके आ रहे थे, कह के बहन जी है, बहन जी हम खड़े हो गए तो कह रहे कि आपकी बेटी पर आपके बेटा को बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, समझिए, और कह रहे ना कि ये मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी बांधी, कह रहे कि लक्ष्मी लक्ष्मी के नाम लीजिए, तो नाम लिए तो इस बार कह रहे ना कि अपना ये सब निकाल के सोना पर्स में रख लीजिए, पर्स में रखे आदमी आ गए उनको दे दीजिए, हम दे दिए, कह के 81 डेग चल कर आइए, अपना हाथ खोल के देखिएगा, 81 डेग चल के अब पीछे देखा थी तो कोई आदमी नहीं है वहाँ पर, उधर से हम अपने दौड़े दौड़े घर आ रहे हैं, वहाँ पर आदमी लोग से बोले
कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, हम पहचान रहे हैं तो कोई देखेगा, हम दिखाई देगा तब ना उसको हम पकड़ेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।